हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय द्वारा बम्पर भर्ती 13,404 पदों पर बड़ी भर्ती लेकर आए हैं, जिसमें साथियों आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन जैसे पदों के अलावा आपका नॉन टीचिंग के भी पद शामिल किए गए हैं। देखिए साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों का सवाल है, ये जो आपको येलो कलर का जो डिब्बा है उसमें इस थंबनेल में हो रहा है, क्या सीटेट 2022 दिसंबर में पेपर देने वाले साथी भी केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं? बहुत सारे साथियों का यही सवाल बना हुआ है। साथियों, इसी पर चर्चा हम इस वीडियो में बिल्कुल सटीक करेंगे, छोटा ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं साथियों अभी की पदों की, तो 13,404 ये जो पद है केंद्रीय विद्यालय में आए हैं। अभी सीटेट 2022 में एग्जाम होने वाला है, जो कि दिसंबर 2022 के एग्जाम है। बात करें, देखिए केंद्रीय विद्यालय में केवीएस में जो अभी वैकेंसी आई है साथियों, उसका एग्जाम कब होगा? ठीक है, तो मैं बता दूं आप सभी साथियों को कि जो इसका एग्जाम है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम है फरवरी में ही संभव है। ठीक है, फरवरी में केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम संभव है, तो आप इतना मान के चले 100% आपको, यदि अभी आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका, यदि आप एग्जाम देने वाले हैं साथियों, तो आपको मौका 100% मिलेगा। मैं ऐसा सिर्फ अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे तर्क है। क्या तर्क है? जब केवीएस द्वारा 2018 में एग्जाम लिया गया था साथियों, ठीक है, तो उस दौरान जो सीटेट पेपर देने वाले थे उनका भी कहना चाहिए उनको मान्य किया गया था। मैं स्वयं उस समय एग्जाम दिया हूं, मैं सीटेट और केवीएस 2018 का कैंडिडेट हूं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि 2018 में मैंने केवीएस का भी एग्जाम दिया, पीआरटी का, ठीक है, केवीएस पीआरटी का भी एग्जाम दिया है और सीटेट का भी एग्जाम दिया था। उस दौरान मैं डीएलएड फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, ठीक है, तो मेरा तो सीटेट क्लियर हो गया, लेकिन मैं केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम था उसमें कुछ ही अंकों से मैं चूक गया था। तो उस समय हमें मौका दिया गया था साथियों, जब हम 2018 में एग्जाम दिए थे उस समय हमें मौका मिला था। और सेम कंडीशन, देखिए उस समय जब एग्जाम हुआ था साथियों, तो एक सप्ताह का अंतर था, अर्थात सीटेट का एग्जाम हुआ फिर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ, इस तरह से सप्ताह भर का ही अंतर उसमें देखने को मिला हुआ था। तो इस बार भी आप मान सकते हैं साथियों, जो केंद्रीय विद्यालय है उसका जो एग्जाम आने वाला है, शिक्षक भर्ती जो आने वाला है अभी फरवरी में होना है, ठीक है, जिसका वैकेंसी जारी हो चुका है, इसका एग्जाम और आपका सीटेट का एग्जाम में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। और आप 100% यदि अभी सीटेट देने वाले हैं साथियों, तो यदि आप टेट में पास हो जाते हैं तो 100% आप इस केंद्रीय विद्यालय की भर्ती के लिए पात्र रहेंगे। देख सकेंगे जब केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो उसमें
आप स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख रहेगा साथियों। तो बिल्कुल आप किसी भी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आप में से बहुत सारे साथियों का प्रश्न बना हुआ है, इन प्रश्नों को छोड़िए साथियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। केंद्रीय विद्यालय आपके लिए हजारों पदों का इंतजार कर रहा है। आप भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनकर राष्ट्र के निर्माण में एक भूमिका का निर्वहन करें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद।